नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं दीपांशु रंजन और आप देख रहे हैं ग्रामोफोन का यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के करजू गांव में, जहां हम मिलने वाले हैं जसपाल आंजना जी से। जसपाल आंजना जी ने लहसुन की खेती में बेहतरीन उत्पादन इस बार प्राप्त किया है और हम उनके अनुभवों को उनसे ही जानेंगे। नमस्कार जसपाल जी। सबसे पहले तो हमारे किसान भाई जो आपको देख रहे हैं उनको अपना परिचय दे दें। नमस्कार, मैं जसपाल आंजना करजू गांव का रहने वाला हूं और तहसील दलोदा और मंदसौर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो हमने देखा कि अभी एक ट्रैक्टर भी गई है लहसुन से भरी हुई और इतनी ज़बरदस्त फसल दिख रही है, तो इसका राज क्या है, कैसे उगाया और ग्रामोफोन ने इसमें कैसे थोड़ी बहुत आपकी मदद की? सर, पहले किसान खेती करता था तो कोई भी दुकानदार के पास जाता था तो दुकानदार अपने हिसाब से कौन सी दवाई दे रहा है, अपने हिसाब से कौन सी दवाई दे रहा है, वो खेत पे आके देखता नहीं था। अपने हिसाब से किसान जाके बोलता था कि भाई मेरे फसल में दवाई दे, तो वो अपने हिसाब से कुछ भी दे रहा था। आज ग्रामोफोन हमारे साथ है तो ग्रामोफोन खेत में, ग्रामोफोन के जो काम करने वाले उसमें जो भी मैनेजर वगैरह जो भी लोग हैं वो सब यहाँ खेत में आते हैं, फसल को देखते हैं। फसल को देखने के बाद में उसका उसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उसकी बीमारी को देखते हैं, उसके बाद आके और उचित जो दवाई होती है। और उसके बाद एक चीज़ और हमें को देखने में मिली ग्रामोफोन में कि ग्रामोफोन में कोई भी चीज़ जी, इन्होंने कभी हमको डुप्लीकेट कंपनी का माल नहीं दिया, कभी भी हमेशा ओरिजिनल ब्रांडेड कंपनी जो भी थी उसका माल ला के दिया। उसकी वजह से आज उनको उत्पादन में वृद्धि हुई है, ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा। तो जैसे हमारा ग्रामोफोन कृषि ऐप भी आप शायद इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा किसान भाइयों को बताएं कि किस प्रकार की लाभ देते हैं वो। ऐसा है कि जो कृषि ऐप ग्रामोफोन का बना हुआ है उसके अंदर हम जो भी प्रकार की जो भी दवाई हमको आवश्यकता होती है उसको वहाँ से ग्रामोफोन पे हम क्लिक करके बता देते हैं कि भाई ये दवाई हमको चाहिए। वो दवाई हमको कहीं लेने नहीं जाना पड़ता, कोई खर्च नहीं है। दवाई लेने के लिए हमारे घर पे उनका ही ग्रामोफोन का व्यक्ति है जो भी, वो आके हमारे को घर पे आके दवाई सप्लाई कर देते हैं और विद GST बिल के साथ दवाई मिलती है, जिसमें कोई भी किसी प्रकार की अपने को ये नहीं है कि दवाई खराब आ गई, भाई दवाई अच्छी, मतलब पूरी शुद्धता की उसकी गारंटी है। तो आपके हाथ में लहसुन नज़र आ रही है, इसी फसल की है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कैसा बढ़वार इसका हुआ और किस तरीके बल्ब आ रहे हैं जी। अभी इसको निकलने में 15 दिन की देर और है जी, 15 से 20 दिन की देर और है। और इससे पहले मैंने तो अपने जीवन में कभी मेरे खेत में ये साइज इस टाइप का नहीं देखा जी जी। और इस वर्ष ग्रामोफोन का सहयोग रहा, उन्होंने समय समय पर आके फसल को देखा जी, और जो इसमें उचित दवाई जो लगनी थी टाइम पे वो इसको दवाई मिली, खाद मिला, तो उसकी वजह से लहसुन का अभी ये 20 दिन की टाइम और है इसको निकलने में जी। और उसके बाद ये साइज है तो ये 20 दिन में इसमें कुछ भी 20% और वृद्धि होने वाली है, तो अच्छा लग रहा है इस साल। बहुत अच्छा। तो आपके लिए जो ग्रामोफोन है, अगर एक पंक्ति में पूछा जाए तो क्या है? देखिए, ग्रामोफोन जिस प्रकार से किसानों का सहयोग कर रहा है, किसानों के साथ साथ जुड़ के चल रहा है, उस प्रकार से तो मैं तो कहूँगा कि ग्रामोफोन किसान का एक भाई है दूसरा। अरे वाह, जो किसान की इतनी मदद कर रहा है आज के टाइम में। तो ये थे करजू गांव के जसपाल जी आंजना, जिन्होंने बेहतरीन लहसुन की खेती की है ग्रामोफोन की सहायता से। तो अगर जसपाल जी की तरह आप भी एक समृद्ध किसान बनना चाहते हैं तो ग्रामोफोन से ज़रूर जुड़ें, ग्रामोफोन के ऐप से लॉगिन करें या फिर ग्रामोफोन के टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल करें। धन्यवाद।